आदर्श नगर थाना अंतर्गत तबीजी पुलिया के पास मिनी बस और गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में हुई भिड़ंत में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि पांच पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला गुरुवार देर रात का है। जालौर से चुनाव संपन्न कराने मिनी बस में सवार होकर पुलिसकर्मी जयपुर जा रहे थे। राधा स्वामी सत्संग व्यास के पास तबीजी गैस प्लांट से LPG गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक गलत दिशा से आया और मिनी बस से टकरा गया। दुर्घटना में हेड कांस्टेबल हनुमान प्रसाद और कांस्टेबल भीम सिंह की मौत हो गई जबकि ओम सिंह, नेमाराम, देवेंद्र कुमार, देवाराम और बुद्धाराम नामक पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल सिपाहियों की खैर खबर ली। वहीं मृतक के परिजनों को ढांढस भी बंधाया। चुनाव कार्य के लिए जा रहे पुलिसकर्मियों की हुई दुर्घटना की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया। रात लगभग 1:30 बजे राधा स्वामी सत्संग व्यास का जहाँ पे बाउंड्री वॉल बनी हुई है जो अजमेर बाईपास पर है, जालौर से हमारे जालौर पुलिस का ट्रक था, उसमें 5-7 जवान और अधिकारी थे जो चुनाव संबंधी सामग्री लेने के लिए जयपुर जा रहे थे। रॉन्ग साइड से आते हुए एक ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें दो लोग जिनके नाम हनुमान प्रसाद जाति जाट और भीम सिंह जाति राजपूत हैं, हनुमान प्रसाद फुलेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और भीम सिंह बाड़मेर के रहने वाले हैं, इनका देहांत हुआ। इन दोनों को रात में ही पुलिस अधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। जवानों को हम हॉस्पिटल लाए, उनका इलाज करवाया। पांच जवानों का इलाज चल रहा है जिसमें दो के फ्रैक्चर हैं, तीन के मामूली चोटें हैं। जिनमें दो का देहांत हुआ है उनका हमारे द्वारा पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण करवा करके, इसमें फुलेरा निवासी जो वायरलेस में थे हनुमान प्रसाद जी, उनके परिजन आ गए थे और उनके को शव सुपुर्द करवाया और उस बॉडी को हमने आज सुबह 10:30 बजे फुलेरा के लिए रवाना किया। दूसरे जो भीम सिंह जी के परिजन हैं वो अभी आने शेष हैं, आने पर बॉडी उनके सुपुर्द की जाएगी। जी जी, वो कोई सिलेंडरों से भरा ट्रक था, संभवतः उसी में आगे वो कोई गैस कंपनी का स्टेशन है वहाँ से शायद वो सिलेंडर ले करके आ रहा था रॉन्ग साइड से, उसको जब्त कर लिया गया। कोई सहायता राशि? बिल्कुल, जो भी नियमानुसार हमारे पुलिस विभाग की और राजस्थान सरकार की सहायता राशि है वो तुरंत उपलब्ध करवा।